तो भाई वेलकम टू द न्यू डे न्यू ब्लॉग। और भाई आज का दिन हो गया है बृहस्पतिवार और ठीक ठाक दिन है। सुबह का टीओ हुआ है 7 बजे का MCL और पानी उनी अभी तुरंत गिरा है, इसलिए हम डबल डबल पहन लिया भाई, ठंडा भी ज़बरदस्त लगेगा। चलिए MCL देखते हैं, तो फिर जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। एक बूढ़ी आंटी है वो इडली बनाती है, उसी को खा लेना है क्योंकि सुबह सुबह वाइफ नाश्ता और वो दोनों चीज़ बनाने में थोड़ा सा परेशानी होता है, इसीलिए चलिए। तो भाई झांसुगुड़ा का नया लॉबी बनकर तैयार हो गया है मोटा मोटी, अब खाली बाहरी काम बचा हुआ है। यह तो आलिशान बंगला टाइप का लग रहा है, अच्छा लॉबी बनाया। और इस साइड है भाई आपका, इधर है टीटी लोगों का रेस्ट रूम, वहाँ देखिए लिखा हुआ आप देख रहे हैं टीटी रेस्ट रूम। और इधर है हॉस्पिटल का यूनिट है छोटा सा, छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए, मतलब छोटा मोटा प्रोग्राम में छोटा मोटा तबीयत अगर ख़राब है तो यूनिट से देखते हैं दवाई देते हैं, और अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो फिर यहाँ से रेफ़र करते हैं। बिल्डिंग ज़बरदस्त लग रहा है भाई। तो भाई चाय का सिप लेके गाड़ी स्टार्ट किया जाए। तो भाई ड्यूटी अच्छा पीता है और अभी हम लोग रिलीफ हो जाएंगे। तो WAG 9 का आज थोड़ा सा गर्मी खाने का मौका था, लेकिन मौसम इतना अच्छा बनाया है कि गर्मी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो भाई बात करेंगे कि आज कि सब एक मेरे सब्सक्राइबर भाई है जो ऑलरेडी आपका जॉब में है, बट वो कंफ्यूज है आपका कि हम ड्राइवर में जाएं कि टेक्नीशियन में रहें, और नया एस्पिरेंट भी परेशान रहता है कि किस में जाएं, ड्राइवर में रहें कि टेक्नीशियन में रहें। तो अगर मेरा पर्सनल अगर आपको हम अगर बोलते हैं तो आपका टेक्नीशियन क्या है कि एक सिक्योर जॉब है, 8 घंटे का सर्विस है, 8 घंटा काम करना है। तो बहुत सारा बंदा जो है जो रिलैक्सेशन खोजता है, जो हमेशा आराम खोजता है कि मेरे को आराम में रहना है, बहुत जन का वैसा वैसा थॉट ये रहता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपको हम बोल रहे हैं, हम ड्राइवर हैं तो हम बोल रहे हैं कि मतलब आप ड्राइवर में ही, बहुत जन ऐसा भी रहता है जो रिलैक्स पसंद करता है, वो उसको उतना मतलब नहीं है, बोलेगा 10,000 मेरे को भले कम मिले भाई, मेरे को आराम चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारा बंदा है जो भाई चाहिए भाई पैसा चाहिए अपने को, क्योंकि अपना ज़िंदगी गुजरा है किल्लत में। तो एकदम लाइफ को एक स्टेप से दूसरे स्टेप में उठाने के, अपना परिवार को आगे बढ़ाने के लिए पूरा उसका दिमाग में यही चलता रहता है। एयर फॉर मेरा, हम वैसा सोचते हैं क्योंकि मेरा कंडीशन जो था उस हिसाब से हम भी सोचते थे कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। मेरा ऑलरेडी एक सिक्योर जॉब था, हम जब स्टेट गवर्नमेंट में थे वो उसमें मेरे को सिर्फ ट्यूसडे को ड्यूटी करना पड़ता था, आप सोच लीजिए सिर्फ ट्यूसडे, बाकी फील्ड वर्क था जो सारा फ़ोन से हैंडल होता था। सिर्फ ट्यूसडे को मेरे को ब्लॉक में जाना पड़ता था, ब्लॉक में अपना टोटल अटेंडेंस बनाना पड़ता था और जो जो काम पेंडिंग है उसको देखना पड़ता था, और जो भी आप मेरे अंडर था उसको सिर्फ बोल देना पड़ता था कि आप ये करो। ठीक है, लेकिन भाई मेरे को चाहिए था पैसा, पैसा वो भी सादा पैसा, वाइट मनी। दैट्स वाई हम अपना मतलब चेंज कर लिया अपना जॉब को 6 महीने ही में ही। और दूसरा उसमें क्या था कि वाइट मनी का भाई कमी था, आप ब्लॉक या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सर्विस में कीजिएगा तो वाइट मनी कमी रहेगा, तो आपको बियॉन्ड द टेबल अंडर टेबल आपको पैसा ज़्यादा लेना पड़ेगा, और पैसा वैसा आपको सही समझ में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये तो जस्ट मेरा कहानी है, बार बार तो बोलते रहते हैं यार, कितना बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा बंदा होगा मेरा जैसा जो सोचता है कि भाई नौकरी मिले, मेहनत भले करना पड़े, लेकिन भाई पैसा अपने को चाहिए और भी अच्छा खासा रकम, ताकि क्योंकि आप हम लोग पहले तो गड्ढे में दबे हैं भाई, ऊपर निकलने के लिए तो पहले गड्ढा भरना पड़ेगा। तो इसलिए वो जैसा बंदा है जो ऐसा सोचता है तो भाई आराम से ड्राइवर में आ सकते हैं। ठीक है, ड्राइवर में आपको टेक्नीशियन से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 10-15 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस रहता है, 10-15 हज़ार रुपये ही आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, आपको उस हिसाब का परेशानी भी रहेगा, उस हिसाब का काम भी रहेगा, लेबर भी रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसके हिसाब से लेबर नहीं रहेगा, उस हिसाब से लेबर भी आपको करना पड़ेगा। और टेक्नीशियन में क्या है, 8 घंटे का शिफ्ट है तो आप अपना शेड्यूल में चल रहे हैं,
कि एक सप्ताह भाई मेरा सुबह का शिफ्ट है, एक सप्ताह दोपहर का शिफ्ट है, तो एक शेड्यूल लाइफ चल रहा है। तो भाई शेड्यूल लाइफ भी, जिसको शेड्यूल लाइफ पसंद है उनके लिए भाई टेक्नीशियन में मोस्ट वेलकम है। और जिनको हजार्डस मतलब डेंजरस वर्क और प्लस थोड़ा सा मेहनत लगे पर पैसा चाहिए, वो ज़रूर एलपी में आइए और काम कीजिए बढ़िया से। दोनों में देखिए मतलब जॉब का सिक्योरिटी क्या, वो भाई को हम बोले कि इसमें इसमें तीन चार परेशानी है कि आप आपका लाइफ शेड्यूल नहीं है। जो भाई मेरे को बोले थे वो ऑलरेडी टेक्नीशियन में है, वो डिपार्टमेंटल देके वो एलपी में आए हैं। तो उनका क्या है कि वो मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि रहे कि जाए। तो हम उनको सिर्फ इतना बोले कि भाई इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो है रिमूवल फ्रॉम सर्विस एक्सपायर्ड, कि डेंजर सिग्नल को पार नहीं करना है। डेंजर सिग्नल को अगर आप पार करते हैं तो आपकी नौकरी जा सकती है, जबकि टेक्नीशियन में ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कुछ गलती कर भी दीजिएगा तो क्या होगा, वो रिपेयर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका दूसरा मौका नहीं है। तो ये एक तो बहुत बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों में कि आपका नौकरी जा सकती है, ठीक है ना। तो भाई हर चीज़ में है मोर रिस्की मोर डेंजरस मोर मनी और लेस रिस्की। अब मान लीजिए कि एक छोटा सा पोर्टर अगर काम करता है, फिर एक भाई कर कमेंट करेगा कि भाई आप पोर्टर को छोटा बोल रहे हो बड़े बोल रहे हो। जस्ट यार हम जस्ट एक बोल रहे हैं कि एक अगर पोर्टर काम कर रहा है तो उसको कम परेशानी रहता है, पोर्टर को कम परेशानी रहता है, उसको कम परेशानी कम सैलरी, ठीक है ना, कम सर पे बोझ। उस तरह से आप जितना आगे रहिएगा तो आपको ज़्यादा बोझ रहेगा। मेरे से जो बड़ा अफसर रहेगा उसको ज़्यादा परेशानी है मेरे से। हम लोग खाली देखेंगे चेयर में बैठा हुआ, तो माथा पकड़ा हुआ है, फैमिली परेशान, वो परेशान, सारी चीज़ परेशानी। यही मेजर डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और बाकी क्या है, ड्राइवर में ही मैक्सिमम ड्राइवर अभी 8 साल का सर्विस में हम देखें कि मोस्ट ऑफ ड्राइवर आपका आराम से रिटायर होता है विदाउट केस। विदाउट केस क्या, एक चार्जशीट भी उसको नहीं मिला है वो आदमी को। इस तरह से इतना रूल में चला है, उनको एक चार्जशीट भी नहीं मिला है। इस पेट का तो बात ही है चाहिए ये, वो इतना बढ़िया काम। और पुराने ड्राइवर क्या हैं, और ज़्यादा अच्छी तरह से सारे रूल को समझते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं। चलिए ऑफ ऑफ करते फिर मिलते हैं। तो भाई ड्यूटी हो गया है ख़त्म, और बहुत जल्दी ड्यूटी ख़त्म हो गया, इसलिए हम लोग लाइम सील के टहलने के लिए निकल गए। इसलिए और अभी खाना पीना खाना है रनिंग रूम में, और उसके बाद रेस्ट करना है। वो जल्दी गाड़ी आई है, अभी मेरे को तुरंत फिर गाड़ी देते रिटर्न का, तो अभी चल जाते हैं। रिटर्न का देगा नहीं, क्योंकि पहले से जो बंदा रहेगा वो सोया रहेगा, तो वो हल्ला करेगा ना यार, बोलेगा यार हम 6 घंटे तो सो रहे, तो गाड़ी लेके जा रहा है, इसलिए सोना पड़ेगा 6 घंटे। टहला जाएगा हम सेल में, और क्या करा जाएगा, फिर वही रात का आज पंगा हो जाएगा, आज रात भर झेलन पड़ेगा। ठीक है यार, जितने भी कर लो सितम हंस हंस के सहेंगे हम, कोई टेंशन नहीं है भाई। तो गुड इवनिंग भाई, रात हो गया यार, 17 अंधेरा छाया, यहाँ सामने का लाइट जल नहीं रहा है। अभी ठीक होने वाला है, 6 घंटे रेस्ट हो चुका है पूरा बढ़िया एकदम, ठीक है ठाक रेस्ट हुआ। रनिंग रूम में क्या रेस्ट होगा, हल्ला गुल्ला होते रहते, थोड़ा बहुत रेस्ट हो गया। गाड़ी मिलेगा आज रात का लग गया है काम, खाना वाना खाना है, निकलना है, और क्या, अपना ड्यूटी तो यही है, खाओ पियो चलते रहो, चलो मुसाफिर चलो रे। देखते हैं बोलते हैं रोटी भाई क्या क्या बन रहा है सब्ज़ी में, रोटी सब्ज़ी मारा जाएगा और चला जाएगा। तो भाई अगेन MCL सिटी हो चुका है, और अभी हम लोग यहाँ पर आए थे चाय पीने, उस और चाय मिलता है वहाँ पर जहाँ पर लाइट जल रही है, हेलोजन आपको बड़ा वाला जो दिख रहा है वो दिख रहा, हमने चाय मिलता है। तो हम लोग सोचे चलो चाय भी पी लेते, थोड़ा सा फ्रेशनेस लगेगा, और मे भी हम लोग को या तो ये गाड़ी मिलेगा या तो ये गाड़ी मिलेगा। तो अभी दिए हुआ है आपका 8 बजे, अभी ऑन ड्यूटी करेंगे और फटाक से गाड़ी चार्ज लेंगे, यही प्रोग्राम है। तो भाई जो नया है, तो भाई ये पूरा कोयला का क्षेत्र है, मोस्ट ऑफ यहाँ कोयले ही लोड होता है, मोस्ट ऑफ क्या कोयले ही लोड होता है। ये पूरे जो ट्रक्स देख रहे हैं ये सब कोयला खदान से लेके आ रहा है, और कोयला यहाँ पर डंप करेगा फिर कोयला लोड होगा। बाकी मेरा पुराना सब्सक्राइबर तो पता ही है भाई, आपका भाई कोयले ही में रहता है, कोयले का कमाई खा रहा है, सच्ची बात है भाई, कोयले की कमाई खा रहा है। तो भाई ये हेडलाइट जो आप देखो देख रहे हैं, दोनों साइड जो हेडलाइट दिख रहा है, अगर बात करें कि हेडलाइट कितना दूर तक जाता है, तो मेरे को मतलब अंदाज़ा हम बताते हैं, ये 500 मीटर
मिनिमम तक जाता है, उससे दूर अगर रहता है बंदा तो भाई दिखता है नहीं है, उतना दूर में दिखता है तो हम लोग हॉर्न बजाते हैं और उसको सिग्नल देते हैं भाई कि हट जाओ यार। क्योंकि बहुत सारा आजकल नया लड़का लोग खासकर आपको कोई शूटिंग करता है, कोई क्या करता है, रात की नहीं दिन की बात कर रहे हैं, तो कोई वीडियो बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ रेलवे लोग को पायलट ही उन लोगों को बचा रहा है, ये तो कब बेटा टपक जाए वालों कोई भरोसा नहीं। तो भाई आज का ब्लॉग के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ सीधा घर में, ड्यूटी ऑफ होगा और घर में पहुँचेगा और घर में बात करेंगे। गुड नाइट, चला जाए, ऑन ड्यूटी किया जाए।